नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। कोलकाता स्थित पार्क स्ट्रीट सेंटर में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने हिंसा प्रभावित बालौदा बाजार का किया दौरा। दिल्ली में एल मुरुगन ने INB मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। आंध्र प्रदेश में 17 जून से शुरू होगा विधानसभा सत्र, पहले दिन होगा विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह। आंध्र प्रदेश में कैबिनेट के लिए TDP, JSP और BJP में समझौता, डिप्टी सीएम बन सकते हैं पवन कल्याण। जयपुर पहुंचे रियासी आतंकी हमले में मारे गए 4 लोगों के शव। रायबरेली में आज धन्यवाद सभा को संबोधित करेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। कन्नड़ एक्टर दर्शन को कथित हत्या के एक मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर की बात। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।